हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीरण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड 210 मैनेजमेंट के चैप्टर 11 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है कि जो मेन पावर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री के, ये सबसे मेन जो उसका की फैक्टर है या जो मेन उसका कंपोनेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मेन पावर जो होता है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रोसेस है, वो हम आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में या आज की इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स इन ए कंपनी और ए ऑर्गेनाइजेशन सच दैट दे हेल्प देयर बिजनेस गेन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसमें कंपनी के जो पीपल्स हैं उनको किस तरह से आपको मैनेज करना है, ठीक है, ताकि उनका जो बिजनेस का जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है उनके थ्रू अपन उसको गेन कर सके। इट इज़ डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉई परफॉर्मेंस इन सर्विस ऑफ एम्प्लॉयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इसका एक इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से बहुत उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज किया जा सकते, जिससे कंपनी या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या जो एम्प्लॉयर है उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इंडक्टिंग एम्प्लॉई, प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई, डिसाइडिंग कंपनसेशन एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, मोटिवेटिंग एम्प्लॉईज, मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशंस विथ एम्प्लॉई एंड देयर ट्रेड यूनियंस, इंश्योरिंग एम्प्लॉई सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थी मेजर्स इन कंप्लायंस विद द लेबर लॉ ऑफ द लैंड। दैट इज द समरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अपन इन टॉपिक्स के बारे में ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट में अपन फोकस करेंगे, या ये आप ह्यूमन रिसोर्सेज में टास्क या वर्क जो है आते हैं इसमें कैटेगरी में, जिसको अपन इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। उसके अलावा जैसे पेरोल मैनेजमेंट आ गया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पेरोल मैनेजमेंट है। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट होगा क्योंकि एक रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट होगा। ट्रेनिंग मैनेजमेंट होगी, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें होंगे सिस्टम में, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में, ट्रेनिंग मैनेजमेंट कि आपको ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से कंडक्ट करवानी है, क्या है, ठीक है। इंश्योरेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, आपके जो एम्प्लॉई है उनका इंश्योरेंस वगैरह है, आपके जो असेट्स है इनका इंश्योरेंस वगैरह है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, आपके एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा वो मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट, अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है, किस तरह से करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। इसके अलावा पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी फॉर्म एंड पब्लिशिंग, ठीक है, आपकी जो पॉलिसी वगैरह इसको फॉर्म पब्लिश करना, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन सर्वे मैनेजमेंट, आपको सर्वे वगैरह करवाना है, ये भी मैनेज इसमें आता है। एम्प्लॉई सजेशन एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉई का फीडबैक जो आ रहा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट है। उसके अलावा न्यूज़ लेटर, ओपिनियन पोल और इवेंट्स वगैरह, ठीक है, आप इसका ओपिनियन पोल भी करवाते हैं। इसके अलावा आपके न्यूज़ लेटर्स वगैरह निकलते हैं, इवेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं। एंड एम्प्लॉई एंड मैनेजर्स सेल्फ सर्विस, ESS एंड MSS, एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस एंड मैनेजमेंट सेल्फ सर्विस। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आते हैं। ये डिफरेंट ये टास्क या डिपार्टमेंट्स मान सकते हैं इसको, इस सिस्टम में, और ये सारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तो ये सारे टास्क इसमें परफॉर्म करने होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस में क्या क्या है, सबसे पहला जैसे रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट हो सकता है या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी हो सकता है।
रिक्रूटमेंट का अपन नेक्स्ट में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या क्या होता है, क्या 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 इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए आप चाहिए आपको सिलेक्शन करने के लिए, आपको एम्प्लॉय सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, रिक्रूटमेंट के थ्रू। अब उसके बाद में क्या है कि ट्रेनिंग है आपकी एम्प्लॉय की, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर आप ऑफ जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। आप नौकरी में जॉब करते हुए उसके साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, या पहले आपने ट्रेनिंग दी है उसके बाद उसको आपने ऑन लोड आपके वर्क जॉब पे आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ये ट्रेनिंग में आता है। ट्रेनिंग के बाद में असाइनिंग परफॉर्मेंस, आपको उसकी परफॉर्मेंस असाइन किया, तो परफॉर्मेंस असाइन असेसिंग परफॉर्मेंस के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ में ले सकते हैं या फिर मॉडर्न मेथड्स भी यूज़ में ले सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में तो जैसे कि आपने फीडबैक फॉर्म भराया, आपके ए पी आर भरवाते हैं, ई सी आर भरवाते हैं। मॉडर्न मेथड जैसे आपके हर दिन आपका फीडबैक आ रहा है उसका, ठीक है, ऑनलाइन फीडबैक आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है मॉडर्न मेथड्स वगैरह। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय आपका जो परफॉर्मेंस उसकी सुधारने के लिए आप क्या करें उसको मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेटिंग अपने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था मोटिवेशन क्या होता है, किस किस टाइप से मोटिवेशन मिलता है, कि मोटिवेशन आपका मनी से आ रहा है या आपका रिकॉग्निशन से आ रहा है या एस्टीम से आ रहा है, डिफरेंट टाइप ने इस लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किए थे, ठीक है। आप जाके उसको वीडियो वापस देख सकते हैं मोटिवेशन वाला। नेक्स्ट है मोटिवेशन में क्या है, या तो रिवार्ड्स या बेनिफिट्स दे सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने रिवार्ड दिया या भी उसको बेनिफिट दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, या रिकॉग्निशन दे सकते हैं, आप उसको पहचान, आपने उसको सम्मानित किया या फिर उसको आपने उसको प्रमोशन दे दिया, ठीक है। तो ये मोटिवेशन में है। इसके अलावा मोटिवेशन के बाद में कंपनसेटिंग, ठीक है, कंपनसेटिंग में क्या, कंपनसेटिंग किया उसके बाद में मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, आप जैसे आपकी जो यूनियन लेबर यूनियंस वगैरह होती है इनसे आपको रिलेशन मेंटेनेंस करना, ये सारा काम क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का है, ये प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय का, आपको उनका हेल्थ का, उनके कल्याण के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, उनके हेल्थ चेकअप के लिए, उनके वेलफेयर के लिए या उनकी सेफ्टी के लिए आपने किस तरह से, मान लो जैसे एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए आपने क्या इंश्योरेंस करवा रखे हैं या क्या, ठीक है, क्या उनका ग्रुप इंश्योरेंस है या क्या, किस तरह से या कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, ठीक है, क्या उनके फंड्स वगैरह हैं, पेंशन फंड्स वगैरह हैं। तो ये सारा देखने का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही प्रोसेस का ही पार्ट है। नेक्स्ट है कंप्लायंस टू लेबर लॉ। इसके अलावा आपको लेबर के जो लॉ है, जो भी गवर्नमेंट वगैरह के या जो भी लेबर लॉ वगैरह होते हैं, श्रम विभाग द्वारा जारी जो लेबर लॉ है उनको आपको फॉलो करवाना भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही कार्य होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। इसका टॉप चैप्टर का जो टॉपिक है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इवेल्यूशन ऑफ क्लाइंट्स नीड्स, कि क्लाइंट्स की क्या नीड आ रही है रिक्रूटमेंट के लिए, कि आपको किस टाइप का एम्प्लॉई चाहिए, मान लो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो या आपकी फर्म है उस फर्म में आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी नीड्स क्या है, किस टाइप के एम्प्लॉई चाहिए उनको, सर्विस चाहिए आपको प्रोडक्शन में चाहिए या गुड्स में चाहिए या, ठीक है, या आपको उसमें सर्विस में चाहिए। तो आपका उनकी क्लाइंट्स को आप सबसे पहले जो नीड है उसको इवैल्यूएट करोगे कि किस टाइप का आपको मैन पावर की आपको नीड्स है। नेक्स्ट है प्रिलिमरी इंटरव्यू, ठीक है। प्रिलिमरी इंटरव्यू में क्या क्या आपने थोरोली एक बार उसकी स्क्रीनिंग कर ली इंटरव्यू के थ्रू, कि जो भी आपने किस किस टाइप के आदमी से क्या क्या कौन से कैंडिडेट वगैरह हैं, उसके बाद में तो आप ये प्रिलिमरी इंटरव्यू हो गया, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, आपने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि कौन कौन से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद में इनफॉर्मल रेफरेंस चेक, इनफॉर्मल रेफरेंस, उनका रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं, इनफॉर्मल रेफरेंस जिसे अपने शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए। अब शॉर्ट लिस्ट आपने कैंडिडेट के किस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किए, किस क्राइटेरिया से किया, ठीक है। उनके बाद उनका इनफॉर्मल रेफरेंस चेक करेंगे कि जैसे इनका आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, किसके थ्रू आ रहा है, कहाँ आपने वर्क किया है, अपने सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है, ठीक है। तो इनफॉर्मल रेफरेंस चेक करेंगे। नेक्स्ट है क्लाइंट इंटरव्यू, उसके बाद में उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू क्या, मान लो जैसे जिस इन्वायरमेंट में उनको वर्क करना है उस इन्वायरमेंट में आपने उसका इंटरव्यू करवाया, तो ये देखा क्लाइंट इंटरव्यू। नेक्स्ट में फॉलोअप द प्रोग्रेस, फॉलोअप आपने जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसको फॉलोअप करके, ठीक है, फॉलोअप किया, कंप्लीट किया उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है नेगोशिएशन एंड ऑफर्स, कि लास्ट में आपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद उनको नेगोशिएशन किया उनसे, आप नेगोशिएशन आप जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो सकता है, आप उनके सैलरी के रिगार्डिंग भी आप उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके क्या ऑफर्स हैं,
क्या आप क्या ऑफर इनको क्या ऑन करने वाला, जॉब प्रोफाइल क्या ऑफर करेंगे या क्या सैलरी ऑफर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपने डिस्कस किया सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट या इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन सी प्रोसेस है, उसके बाद में उसमें जो सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। ओके, थैंक यू।